हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप देख रहे हैं स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीच में मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं डाली थी कुछ दिन। तो अब जो है हम बैक डेट की करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। 3 फरवरी की करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। 3 फरवरी से आगे जो है रेगुलर क्लासेस चलेंगी जैसे चलती थी, और जो पहले का जो पिछला जो हमारा छूट गया है वो हम जो है इसी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 2 फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में बताऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी ये करंट अफेयर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इस वीडियो में का जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सअप पे हेलो लिख कर भेज दीजिए, तो व्हाट्सअप ग्रुप जो होगा हमारा उस पर हम आपको ऐड कर देंगे। अभी व्हाट्सअप ग्रुप बनाया नहीं है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक साथ जो है बच्चे आ जाएँ, क्योंकि 3-4 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, बच्चे काफी हो गए। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है हमसे जुड़ सकते हैं। आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 के अनुसार 2011-2012 से 2017-2018 के मध्य कुल कितनी नई नौकरियां सृजित की गईं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 2.62 करोड़। अभी रिसेंटली आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 जारी हुआ है और इसमें कहा गया है कि भारत में 2011-2012 से 2017-2018 के मध्य 2.62 करोड़ नौकरियां सृजित की गई, यानी कि इतनी नई नौकरियां जो है पैदा की गई हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद जो है दो तीन तीन क्वेश्चन जो है करीब इसी आर्थिक सर्वेक्षण से हैं, तो इसलिए आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आर्थिक सर्वेक्षण होता है, क्या चीज़ है। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह एक रिपोर्ट होती है जो किसी देश की आर्थिक स्थिति की जो वर्तमान स्थिति है वो बताती है, यानी कि किसी देश की जो आर्थिक स्थिति है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति अच्छी है या ख़राब है या बहुत ख़राब है या बहुत अच्छी है, ये बताती है ये रिपोर्ट। तो सरकार द्वारा जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो प्रयास वाकई में हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इन सभी के बारे में भी जो है आर्थिक सर्वेक्षण में बताया जाता है। बजट से एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी को पता है कि वित्त मंत्री जो हैं भारत की वो हैं निर्मला सीतारमण जी, तो इन्हीं के द्वारा जो है बजट पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, तो हम वो टॉपिक बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतने से आपके एग्जाम में काम बन जाएगा। एक पॉइंट जो लास्ट मैंने लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा, भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो इनके हिसाब से मैंने लिखा है कि इन्होंने बोला है कि भारत की जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2019-2020 की वो धन सृजन जो है उसकी थीम रखी गई है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 की जो थीम थी वो क्या थी, तो वेल्थ क्रिएशन या धन सृजन जो है उसकी थीम रखी गई थी, ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आर्थिक सर्वेक्षण से ही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 कर लीजिएगा, यहाँ पर 2018 लिख दिया मैंने। 2019-2020 के अनुसार 2018 में भारत में कुल कितनी नई कंपनियों का गठन किया गया या गठन हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 1,24,000 नई कंपनियों का गठन हुआ है, ऐसा कहना है आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ये मैंने 18 लिख दिया, इसको सही कर लीजिएगा, इसको 19 और 20 कर लीजिएगा। ठीक है, 2019-2020। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि आर्थिक समीक्षा या वही आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 के द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि थालीनॉमिक्स। ठीक है, एक नया शब्द हमें देखने को मिला है, सुनने को मिला है, थालीनॉमिक्स। ये बेसिकली भोजन की थाली का जो है एक तरीके से रेट मूल्य जो है प्रदर्शित करता है। मतलब इस चीज़ से हमें ये बताया गया है कि कोई वेज खाना खाता होगा तो उसकी एक थाली की कीमत क्या क्या होगी, और कोई नॉनवेज खाना खाता होगा तो उसके एक थाली की कीमत क्या होगी। तो ये जो थालीनॉमिक्स है ये हमको यही चीज़ समझाता है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि भारत में भोजन की थाली का जो अर्थशास्त्र है उसको थाली नॉमिक्स से दर्शाया गया है। ठीक है, थालीनॉमिक्स नाम उसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा, ये भी हमारा आर्थिक सर्वेक्षण से ही है क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है।
चौथा क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 में वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 6 से 6.5% तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 में ये कहा गया है कि आने वाला जो साल है, ठीक है, आने वाला जो वित्त वर्ष है 2020-2021 का, उसमें भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर रहेगी वो 6 से 6.5% तक रह सकती है। और आप सभी को पता है कि जो मैक्सिमम जितनी भी संस्थाएं हैं, विश्व बैंक हो गया, एशियाई विकास बैंक हो गया, मूडीज़ हो गया, इन सभी ने जो है 5% के आसपास ही जो है भारत की अर्थव्यवस्था बताई है, ठीक है। और सरकार बोल रही है कि 6 से 6.5% के बीच में रहेगी आने वाले वित्त वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है, साझेदार नहीं है, कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें से कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि पाकिस्तान। अभी रिसेंटली जो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 जारी हुआ है उसमें इन देशों का नाम दिया गया है, अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और हांगकांग। तो ये जो देश हैं यहाँ पर से मतलब भारत जो है सबसे ज़्यादा व्यापार जो है करता है, संयुक्त अरब अमीरात है ये, ठीक है। तो इन देशों से भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है, तो ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन जब बनेगा तो यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ जो है भारत सबसे ज़्यादा व्यापार नहीं करता है या फिर व्यापार नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापार होता ही होता है, ठीक है, लेकिन शीर्ष व्यापारियों में जो है पाकिस्तान शामिल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि जनवरी 2020 में विद्या बाल का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। विद्या बाल प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। 2016 में हिंदू मंदिरों और जो भी धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर महिलाओं का जाना प्रतिबंधित है, उन जगहों पर महिलाओं के प्रवेश को लेकर जो है एक कानून लागू करने की मांग इन्होंने की थी और बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, ठीक है। जैसे सबरीमाला केस हो गया कि वहाँ पर महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता, सिर्फ पुरुष ही जाते हैं, तो इस तरीके के जो भी मंदिर हैं इन्होंने विरोध किया था इस चीज़ का कि महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिले और महिलाओं को भी मंदिरों में प्रवेश दिया जाए। तो सामाजिक कार्यकर्ता थी विद्या बाल, ठीक है, इस चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि जनवरी 2020 में जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण के साथ चलित भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 ने किस एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि लेह एयरपोर्ट। अभी रिसेंटली जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण के साथ चलित भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 ने लेह एयरपोर्ट से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है, यानी कि जो ये AN-32 विमान है इसको उड़ाने में जो ईंधन इस्तेमाल किया गया था उसमें 10% जो है जैव ईंधन था। और ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों इंजनों में, यानी कि किसी विमान के दोनों इंजनों में जो है जैव जेट का इस्तेमाल किया गया, जो जैव ईंधन होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया गया। अभी तक क्या होता था, जब भी जैव ईंधन का इस्तेमाल किसी विमान में किया जाता था तो उसमें जो है एक जो टैंकी होती थी, ठीक है, एक जो इंजन होता था वो बेसिकली किससे चलता था, जो विमान वाला ईंधन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर दोनों ही को जो है जैव ईंधन से चलाया गया है, ठीक है। तो विमान का नाम भी याद रख सकते हैं आप लोग, AN-32 इस विमान का नाम है जिसको जैव ईंधन से चलाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के अंतरिम पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि हितेश चंद्र अवस्थी। अभी रिसेंटली हितेश चंद्र अवस्थी ने उत्तर प्रदेश के अंतरिम पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। महानिदेशक होते हैं डीजीपी बोलते हैं इनको, ठीक है। और याद रखिएगा कि इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे उनका नाम था ओपी सिंह, जो कि 31 जनवरी को रिटायर हो चुके हैं। तो इनकी जगह पर हितेश चंद्र अवस्थी को अंतरिम पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। जब तक किसी स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं होती तब तक जो है ये महानिदेशक यानी कि डीजीपी का पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने डायरेक्ट सीटीओ नामक पहल की शुरुआत की है। डायरेक्ट सीटीओ नामक पहल की शुरुआत की है किस सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर से कुछ और पॉइंट लिखे हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे सीटीओ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंसर्न टॉप ऑपरेट। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, अगर वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो है काम करना चाहती हैं, तो उनको जो है जल्द से जल्द जो है मतलब परमिशन दे दी जाएगी, जल्द से जल्द उनको जो है काम करने की परमिशन दे दी जाएगी। वरना बहुत सारे जो है नियम कानून होते हैं कि आपको सरकार से अलग अलग टाइप के जो है मतलब अनुमति लेनी पड़ती है। तो अब जो है जो ये नया इन्होंने डायरेक्ट सीटीओ निकाला है, इससे जो है ये काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा उन कंपनियों को जो कि काम करना चाहती हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार ने जो है इसको शुरू किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, के पलानी स्वामी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि हाल ही में द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की इस्पात मांग चौगुनी से अधिक होने की संभावना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 30। अभी रिसेंटली द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बताया गया है कि अगले 30 सालों में भारत में इस्पात यानी कि स्टील की जो मांग है वो चौगुनी से अधिक हो जाएगी। जब इस्पात की मांग बढ़ेगी यानी कि स्टील की मांग बढ़ेगी, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 600 मिलियन टन की वृद्धि हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पर से याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट को पॉइंट है। जब कूट वाले प्रश्न आते हैं तो इसमें जो है ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एक शोध संस्थान है जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि दुनिया में कहीं भी पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि बाला देवी। बाला देवी दुनिया में कहीं भी पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 29 वर्षीय बाला देवी ने स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित क्लब रेंजर्स FC के साथ 18 महीने का करार किया है। वे रेंजर्स की पहली एशियाई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा, आपसे हो सकता है एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा जा सके कि स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब रेंजर्स की जो पहली एशियाई महिला खिलाड़ी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए बाला देवी का नाम, ठीक है। बाला देवी भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुकी हैं और अब जो है इन्होंने 18 महीने के लिए करार किया है स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित क्लब रेंजर्स FC के साथ, ठीक है, रेंजर्स फुटबॉल क्लब के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसने समकालीन दुनिया में गांधी की प्रासंगिकता पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अभी रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समकालीन दुनिया में गांधी की प्रासंगिकता पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है। बेसिकली डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है मंत्री हैं कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के, तो इन्हीं के द्वारा जो ये कोर्स है, जो ये ऑनलाइन कोर्स है, इसकी शुरुआत इन्होंने की है सेंटर फॉर गांधी एंड पीस स्टडीज़, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और गांधी स्मृति और दर्शन समिति। तो इनके सहयोग से जो है इस कोर्स को तैयार किया गया है। तो किसके किसके सहयोग से, इनका नाम याद रखिएगा, आजकल पूछे जाते हैं कि किसके सहयोग से जो है कोर्स शुरू किया गया ये वाला, तो ये आपको बताना चाहिए यहाँ पर से ये वाली पॉइंट, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इस सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि जनवरी 2020 में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड में कितने करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 1450 करोड़ रुपए। अभी रिसेंटली ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड में 1450 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है। इस निवेश के बाद ब्रुकफील्ड भारत में उपभोक्ता लोन कारोबार में प्रवेश करेगा। जैसे आप लोग लोन वगैरह लेते हैं तो ब्रुकफील्ड भी जो है अब लोन देगा, ठीक है। तो इसमें इसने जो है इस काम के लिए, इस कारोबार के लिए समझौता किया है इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के साथ, ठीक है।
अब आपके लिए आज के प्रश्न की बात करता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में अचीवर श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। सो इसका आंसर कमेंट करके बताइए, साथ में मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कोशिश करेंगे पीछे का धीरे धीरे हम लोग कवर करें ताकि आपका भी नुकसान ना हो। ओके, चलिए, थैंक यू।